जो डायबिटीज रोग है ये अक्सर किडनी रोग को जो है उत्पन्न कर देता है। शुगर हो जाती है तब क्या होता है कि जब ये ब्लड है ये फिल्टर आउट होता है तो साथ में शुगर की मात्रा भी जो है यूरिन में निकलने लग जाती है। रीनल फेलियर में वो डायबिटीज़ के कारण पेशेंट जा चुका है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन ज्योति, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना से। आप जानते ही हैं जो डायबिटीज रोग है ये अक्सर किडनी रोग को जो है उत्पन्न कर देता है। किडनी रोग जो है अक्सर डायबिटीज़ और बीपी की शिकायत के कारण कैसे उत्पन्न होता है आज उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। जो शुगर है वो अक्सर क्या करती है, हमारे जब ये जो असंतुलित हो जाती है, जब इसकी जो है मात्रा शरीर में घटने और बढ़ने लग जाती है, तब ये हमारे किडनी के जो फंक्शंस हैं, जो कि उसका फंक्शन रहता है हमारे ब्लड में से यूरिन को उत्पन्न करना और साथ में ऐसी जो विषैले तत्व हैं जो कि खून में हमारे शरीर में मिक्सअप होते हैं उसको बाहर निकालना, उसको करना। लेकिन जब शुगर हो जाती है तब क्या होता है कि जब ये ब्लड है ये फिल्टर आउट होता है तो साथ में शुगर की मात्रा भी जो है यूरिन में निकलने लग जाती है। तो इसके कारण क्या रहता है, जो ग्लोमेरुलाइज रहते हैं, जो फिल्टर के कारण रहते हैं किडनी के अंदर, उसमें जो है स्कैरिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण ग्लोमेरुलर स्कैरिंग जो है स्कोलियोसिस के नाम से जानी जाती है वो हो जाती है और जो है पेशेंट किडनी फेलियर की तरफ अग्रसित हो जाता है। अब ये जो किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स रहते हैं डायबिटीज़ के कारण ही उत्पन्न हुए देखे गए हैं। जो डायबिटीज़ है अक्सर तीन तरह से जानी गई हैं, जिसमें कि टाइप 1, टाइप 2 और जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। अक्सर क्या देखा गया है कि जो पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ का होता है उसको 5 साल के अंदर अंदर जो है माइक्रो एल्ब्यूमिनीरिया जो है ये जो है उत्पन्न हो जाती है बीमारी। ये बीमारी क्या है, क्या रहता है कि हमारे पेशाब में या यूरिन में जो है एल्ब्यूमिन की मात्रा बिल्कुल ही नामात्र होती है, लेकिन अगर ये 30 से लेकर 300 मिलीग्राम तक बढ़ जाती है या उत्पन्न हो जाती है उस टाइम ये कहा जाता है कि पेशेंट को एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड उस यूरिन में से निकलने लग गया है। तो ये कंडीशन भी आप माने कि ये किडनी फेलियर की तरफ ही है। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू जो है 300 मिलीग्राम पर डे के रूप में अगर उससे ज़्यादा उत्पन्न होने लग गई है तो इसको हम मैक्रो एल्ब्यूमिनूरिया कहते हैं या इसको हम जो प्रोटीन यूरिया के नाम से भी जानते हैं। तो यही कंडीशन है जो कि डायबिटीज़ जैसे जो पेशेंट हैं वो उत्पन्न कर देते हैं, जो अपनी शुगर की वैल्यू को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो अब क्या रहता है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं अक्सर कुछ ऐसी औषधियाँ, ऐसी जो ड्रग्स हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। अक्सर ये मेटफॉर्मिन भी ऐसी दवाई है जो कि हमारे शरीर में जाकर जो है किडनी को नुकसान देती है, जो कि आगे जाके एसिडोसिस जैसी समस्या को उत्पन्न कर किडनी फेलियर को कर देती है। यही डायबिटीज़ जो है आगे जाकर रीनल फेलियर को उत्पन्न कर देती है। तो इसमें अक्सर हम कैसे डायग्नोस कर पाते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसको कैसे ध्यान रखना है कि उसको किडनी फेलियर ना हो जाए, तो उसको सबसे पहले अपने यूरिन की जांच जो है कराते रहना है। अगर बाथरूम में या पेशाब में यूरिन की मात्रा या एल्ब्यूमिन जो है आने लग जाता है, चाहे वो ट्रेसेस में हो चाहे वो +1, +2 या +3, तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसकी किडनी की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसके बाद जो है जो क्रिएटिनिन की जो वैल्यूज़ रहती हैं उसको मैनेज करना जो है देखना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टिगेट नहीं कराता है तो ये किडनी जो है ख़राब होती नज़र आने लग जाती है।
साथ ही साथ उसको अपना अल्ट्रासाउंड जो है वो मैनेज ज़रूर कराना चाहिए और ऐसी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए जो कि उसके बीपी को मैनेज करे, शुगर को मैनेज करे और किसी भी प्रकार की जो कार्डिक डिजीज़ है वो ना उत्पन्न हो रही हो। क्योंकि अगर डायबिटीज़, बीपी और कार्डियक डिजीज तीनों ही जो है इसके लक्षण जो है शरीर में अगर उत्पन्न होने लग जाते हैं तो पेशेंट अक्सर जो है रीनल फेलियर की तरफ मुड़ जाता है। अब रीनल फेलियर में जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो रहते हैं बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस का होना, सांस का फूलना जिसे कि हम कहते हैं, शरीर पर खारिश होने लग जाती है, आँखों के घेरों के नीचे जो है स्वेलिंग होने लग जाती है, पैरों में पैडल ओडीमा जैसी शिकायत होती है और कई बार ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन जैसी स्थिति हो जाती है या पेट में जो है पानी भी भर जाता है। ये सब कंडीशंस जो हैं रीनल फेलियर की होती हैं और कई बार रोगी को जो है बार बार पेशाब की जो हर्जत लगने लग जाती है, उसको बार बार पेशाब आता है और जो उसका बीपी है वो असंतुलित होने लग जाता है। ये कंडीशंस जो हैं रीनल फेलियर की हैं, रीनल फेलियर के सिम्टम्स की हैं। तो ये बात रहती है कि कैसे जो है डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो अक्सर क्रॉनिसिटी में जाकर, जब ये डायबिटीज़ 20 साल 15 साल जो है तक चलती रहती है शरीर में, तो ये या तो दवाइयों के कारण या हमारे जो लाइफस्टाइल है उसको जो है अडॉप्ट करने के कारण ये बीमारी आगे जाकर रीनल फेलियर को उत्पन्न कर देती है। तो किसी को भी अगर शुगर जैसी गंभीर समस्या अगर से वो ग्रस्त हो गया है तो उसको इस बात की जानकारी हमेशा रखनी है कि उसको अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, अपने यूरिन के एग्जामिनेशन ज़रूर करानी है ताकि वो जो है अपनी रीनल फेलियर की तरफ वो ना जा सके और ये जो नेफ्रोपैथी डिवेलप हो रही है उसको वो बचा ले। तो अगर किसी को डायबिटीज़ रिलेटेड कोई भी क्वायरी है या उसको रीनल फेलियर में वो डायबिटीज़ के कारण पेशेंट जा चुका है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारी जो है डॉक्टर शारदा की लुधियाना ब्रांच में मैं ऐसे रोगियों को अक्सर देखती हूँ और आप नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।